दी है, बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूँ शेफाली बरुआ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे आम की रेसिपीज़। आज हम कच्चे आम से कई चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कच्चे आम कई तरीके से रखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। आगे आगे मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी कि हम इसमें क्या क्या रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे आम का पना। तो आम का पना बनाने के लिए अगर आप मेरे स्टाइल से आम पना बनाते हैं तो ये बहुत ही सिंपल और ईजी है और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस आम पना के लिए हमें करना है कि सबसे पहले जो आम होते हैं साबुत आम, इसको आप बिल्कुल आलू की तरह कुकर में बॉईल कर लीजिए। जैसे हम आलू में सीटी लगाते हैं वैसे 2-3 सीटी में ये आलू गल जाएगा, वैसे ही आम भी गल जाता है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इस आम का पल्प निकालना है और इसे ग्राइंड करना है। आम का पल्प निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे कि इसको छील लेंगे और इसका पल्प निकालेंगे। तो इस आम को इस तरीके से हम छीलेंगे और जो भी छिलके में पल्प है उसको भी अच्छे से निकाल लेंगे। फिर इसकी गुठली को भी हम अलग कर लेंगे इस तरीके से, और ऐसे हम बाकी आमों को भी करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने सारे पल्प्स इस आम के आम से अलग कर लिए हैं। तो ये हमारा छिलका और ये वेस्ट हम। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये पल्प हमें अब ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। बहुत सिंपल है, हम ग्राइंडर में इस पल्प को डालेंगे और साथ ही साथ इस पल्प को डालने के बाद हम इसमें मिलाते हैं। ये करीब मैंने 5 से 6 आम बॉईल किए थे, छोटे छोटे आमियाँ थी जिसको हम बोलते हैं। तो अब इसमें मैं शुगर मिलाऊंगी। तो आम का पन्ना थोड़ा खट्टा मीठा होता है तो वो टेस्टी लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पल्प में करीब 3-4 चम्मच चीनी मिला दूँगी। तो मैंने यहाँ पे 3.5 चम्मच चीनी मिलाई है और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट, जो सफ़ेद नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें डाल देती हूँ और इसे अब ग्राइंड कर लेती हूँ। तो शुगर और ये आम पल्प हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब हम हमारा जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे कुछ पुदीना लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। एक तो इजी वे ये है कि अगर आपके पास, आपको 1 कप आम पन्ना बनाना है, उसके लिए आपके पास उसके अकॉर्डिंग आम पल्प और ये पुदीना और हरा धनिया अवेलेबल है, तो आप ये तीनों साथ में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अगर आपको सेपरेटली अलग अलग इन दोनों को साथ में और आम पल्प की अलग चटनी बना के भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे आम पल्प देखिए कितना बढ़िया अच्छा मिक्सर रेडी हुआ है। और अब हम ग्राइंड करते हैं ये पुदीना और धनिया एक साथ हम ग्राइंड करेंगे। इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पुदीना धनिया चटनी भी रेडी है। तो इसके बनने के बाद अब आती है इसकी सर्विंग की बारी। बट इसको सर्व करने से पहले मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का गलका। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस आम के पीसेस काट के रखे हैं, ये अचार वाला आम है, उसी तरीके से हम इसका गलका भी बनाते हैं। तो इस आम को, इस आम से हम गलका बनाएंगे और गलके के लिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। आम गलका बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ गर्म कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ करीब 1/2 कटोरी धनिया, और जितना हमने धनिया लिया उससे थोड़ा सा कम मैंने लिया यहाँ पे मोटी सौंफ, और उससे भी कम 1/2 टीस्पून करीब करीब मैंने लिए यहाँ पे कलौंजी। इन सबको हमें एक साथ इस कढ़ाई में भून लेना है। भुनने की स्टेज हमें तब पता चल जाती है जब ये थोड़ा सा रेड होने लगेगा और इसमें से ये फूटने लगता है, इसमें आवाज़ आने लगेगी। और जब ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा तो हम इसको गैस बंद करके निकाल लेंगे। ये फ्रेंड हमारा ये मसाला भुन चुका है, इसे हमें ग्राइंड करना है। बिफोर दैट हम क्या करेंगे,
हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल यूज़ करेंगे। तेल करीब यहाँ पे हम ठीक ठाक क्वांटिटी में तेल ले लेते हैं। और तेल गर्म होने के बाद यहाँ मैंने तेल लिया है करीब 5 चम्मच, और इसमें मैंने मेरा करीब 400 ग्राम्स आधा किलो के करीब हमारा ये कच्चा आम है। मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें जो तड़का लगाऊंगी वो तड़का मेरे पास है पचफोड़न का, देख सकते हैं आप। ये फ्रेंड्स, तो ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैंने यहाँ पचफोड़न डाल दिया और अब हम अपना आम डाल देंगे। यहाँ पे हमें इसके कच्चे आम को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसको हम फ्राई होने देते हैं, तब तक हम अपना मसाला जो हमने रेडी किया था भून करके इसको हम पीस लेते हैं। मसाला हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे ग्राइंड कर रहे हैं। देखिए मसाला हमारा रेडी है, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है भुने हुए मसाले की। मीनवेल हमारा ये देखिए आम फ्राई होने लग गया है, इसको इस तरीके से चलाते रहिए, मीडियम फ्लेम रखिएगा। तो ये मिर्च और थोड़ा सा गार्लिक हम 2-4 कलियाँ लहसुन की और मिर्ची को हम कूट लेंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको कूट लिया है। अब हमारा आम का गलका जो है, आम थोड़ा गलना शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। यहाँ पे हमने इसमें डाली है शुगर। शुगर डालने के बाद इसको ये थोड़ा और अच्छे से गल जाएगा। यहाँ मैंने करीब आधी कटोरी शुगर डाली है, करीब आम से आधी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना क्योंकि हमने हरी मिर्च भी कूटी है, हम थोड़ा ही डालेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी मिर्च भी डालेंगे इस तरीके से। और चीनी के गलने के बाद हमने जो मसाला भुना था वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही साथ जो हमने गार्लिक और हरी मिर्च कूटी थी उसको भी हम इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे फॉर फ्लेवर, इससे अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा तीखा बनाएगा इस तरीके से। और इसको थोड़ी देर हम ढक करके पकने देंगे। अब इसमें हम आधा कटोरी पानी डाल देते हैं, तो मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सूखे भुने हुए मसालों का जो फ्लेवर है और जो खुशबू है और लहसुन के साथ ये मिक्स होके बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। अब इसे थोड़ी देर ढक करके पका देते हैं। फ्रेंड्स, इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हमारे ये आम अच्छे से गल नहीं जाए और हमारा जो ये ग्रेवी है थोड़ी और गाढ़ी नहीं हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रेवी पतली हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं। अब मैं आती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी की ओर, तो जो कि मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार। ये आम मैंने कल रात से काट के रखे थे, इसको मैंने फिर धूप दिखाई है। धूप दिखाने के लिए मैंने इस कपड़े से इसको ढका ताकि इससे इसमें धूप ही अच्छे से चली जाए और इसके ऊपर कोई कीड़े मकोड़े या डस्ट नहीं जाए। तो इस तरीके से ये पूरा ड्राई हो चुका है, इसमें कहीं पे भी पानी नहीं होना चाहिए आम का अचार बनाने के लिए। तो ये करीब मेरा आधा किलो आम है, इसमें अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। अचार में बनाने के लिए भी फ्रेंड्स, जो हमें ड्राई मसाला लेना है वो सेम जो हमने गलके में इस्तेमाल किया था। तो हमें क्या क्या लेना है, करीब आधा कटोरी धनिया, उससे कम हमें लेनी है मोटी सौंफ और उससे कम कलौंजी। तो इन सबको हम एक कढ़ाई में भून लेंगे। तो यहाँ हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया
क्योंकि मैंने आधी कटोरी डाल था, आधी कटोरी करीब मैंने सौंफ डाली जो उससे थोड़ी कम है। फिर कलौंजी मैं करीब 1/4 कटोरी यहाँ पे डाल रही हूँ। सभी को अच्छे से भून लेना है पहले की जैसे। यहाँ मैंने अलग अलग रेडी किया है, चाहे तो ये गलके का मसाला और अचार का मसाला साथ में हम रेडी कर सकते हैं। सेम ही इंग्रेडिएंट्स हैं, सेम वही गार्लिक और, तो आप एक साथ इसको रेडी कर लीजिएगा। और कुछ हाफ क्वांटिटी उसके लिए गलके के लिए और हाफ अचार के लिए रख लीजिएगा। इसको भून लेते हैं, भुनने के बाद हम इसे पीस लेंगे। मसाला भुनने के बाद फ्रेंड्स, अब इस गर्म कढ़ाई में मैं करीब 1 कटोरी तेल गर्म कर रही हूँ। इस तेल को पकने देंगे। तेल पकाने से ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, अचार में जब हम डालते हैं तो हमारा जो अचार है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और ख़राब नहीं होता है। तो मैं इस तेल को गर्म होने देती हूँ, अच्छे से पकने देती हूँ। मीनवाइल हम ये मसाले को थोड़ा सा नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। मीनवाइल फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं हमारे गलके की क्या स्टेट है। तो गलका जो है हमारा, गलका इसका नाम है तो मतलब ये गला गला होना चाहिए। तो ये गलका जो है हमारा गल जाना चाहिए। तो मैं ये चेक करती हूँ कि हमारा गलका जो है वो गला है या नहीं। तो यस, आई कैन सी कि वो गलने की स्टेज पे आ गए, बट थोड़ा सा इसको हमारे को रसोई को गाढ़े फॉर्म में आने तक इसे मैं थोड़ी देर और पकाऊँगी धीमी आँच में, एकदम मीडियम फ्लेम। मैंने यहाँ पर एकदम लो फ्लेम कर रखा है मैंने। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मसाला भी देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। यहाँ हमें लेना है एक बड़ा सा बाउल, ये मैंने बड़ा सा बाउल लिया है, ये देखिए। उससे मैंने ये अपना आम जिसकी मैंने करी है, जो फांक मैंने काटी है ये आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, बड़ी छोटी, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अचार एक बार में खा सकते हैं। तो मैं जनरली छोटा प्रेफर करती हूँ, ताकि क्या होता है कि वेस्ट नहीं होता अचार, जिसको जितना खाना है वो खा सकता है, जिसको ज़्यादा लेना है वो ज़्यादा ले सकता है, और जो कम खाता है वो वेस्ट नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि ये हमारा जो मसाला हमने ग्राइंड किया है इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। साथ ही साथ नमक मिला रही हूँ। मैंने करीब अभी तक 1/2 टेबल स्पून नमक मिलाया है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च मिला रही हूँ, थोड़ी सी मैं कश्मीरी मिर्च प्रेफर कर रही हूँ कलर के लिए, जैसा अक्सर सभी कुक्स करते हैं। और ये कुछ कली लहसुन और मिर्चा, जिसे मैंने उसमें कूटा था हमारे गलके में, उसी तरीके से मैं अचार में भी यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। और अब इसमें मैं तेल डालूँगी जो हमने तेल पकाया है। तो ये जो मैंने तेल पकाया था ये मैं इसमें मिला दिया। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इन सभी को, अचार को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तेल हल्का गर्म है तो मैं स्पून से इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते करते मुझे याद आ रहा है कि मैंने गैस पे गलका भी चढ़ा रखा है, तो एक बार हम उसे भी चेक कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा गलका गल गया है और रेडी है। जो इसकी ग्रेवी है ना, वो जो आम, कुछ आम का कुछ गला हुआ पार्ट वो ग्रेवी में मिक्स होने लगता है, तो ये जो इसका ये रस है ये काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा होने लगता है। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होने लगा है। ये हमारा गलका रेडी है, गैस कर देते हैं बंद। हाँ, तो अचार देख लेते हैं। अचार को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फ्रेंड्स, इसको आप किसी शीशे के मर्तबान में, जार में इसको भर के रख सकते हैं। इसे हमें धूप लगानी है प्रॉपरली, ताकि ये गल जाए। ये अभी खाने की स्टेज में नहीं है, पर हमारा गल का खाने की स्टेज में है। और जो हमने सबसे पहले आम पराम बनाया था उन सबको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गल का पूरा इस बाउल में सर्व निकाल दिया है। इसको भी मैं स्टोर करूँगी। आप इसे ठंडा करके फ्रिज में रखिए 4 से 5 दिन, आप आराम से इसको 1 हफ्ते तक खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कई कई बार ये 15 दिन तक भी चल जाता है इसको, लेकिन आपको फ्रिज में ही रखना है। और इसकी जो ये ग्रेवी बनी है ये इतनी टेस्टी होती है कि अगर आप
इसको कढ़ाई से निकालोगे ना तो ये आपके उंगली में भी लग जाएगा ना, तो बहुत यम्मी लगता है। अब मैं आपको आम पन्ना जो हमने सबसे पहले बनाया था उसको मैं भूलूंगी नहीं, अचार मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब आम पन्ना मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आम पन्ना के लिए फ्रेंड्स ये मैंने आम पल्प रेडी किया था, ये यहाँ पुदीने की चटनी रेडी करी थी। अब मैं इसको इस कप में सर्व करने जा रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले इसमें डालते हैं हमने जो पुदीना और मिंट और हरा धनिया यानी कोरिएंडर लीव्स की चटनी बनाई थी। इसकी क्वांटिटी ये काफ़ी पतला है तो मैंने इसको करीब कप में देखिए इस तरीके से 2-3 टेबलस्पून डाला है। अब जो हमारा पल्प है ये करीब 2-3 बड़े चम्मच इसमें हम सर्व करेंगे और इसमें हम डालेंगे सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट यानी कि वाइट सॉल्ट, सफ़ेद नमक और ठंडा पानी। थोड़ा सा मैंने जगह छोड़ी है सो दैट आई कैन मिक्स इट प्रॉपरली। तरीके से मिक्स कर लिया। जीरा पाउडर एंड सम आइस एंड वाटर। लेट्स टेस्ट इट। अमेजिंग, वेरी यम्मी। तीनों रेसिपी यानी कि आम पन्ना, अचार और आम का गलकर रेडी है। तो चलिए इंजॉय करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये तीनों रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताते रहिएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।